गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले वीडियो में आप लोगों ने मोर अबाउट माइसेल्फ पढ़ा था, बॉडी पार्ट पढ़ा था, उसका फंक्शन पढ़ा था आपने। आज नए चैप्टर के साथ फिर आप लोगों को साइंस पढ़ाएंगे। नया चैप्टर कौन सा? मी एंड माई फैमिली। चैप्टर का नाम है मी एंड माई फैमिली। मी एंड माई फैमिली। मी एंड माई फैमिली। ठीक है, मी एंड माई फैमिली, मैं और मेरा परिवार। तो सबसे पहले जान लो परिवार क्या होता है। फैमिली किसको बोलते हैं? कौन होता है फैमिली? पीपुल, यहां लिख दे रहा है उसको रिपीट कर लोगे, पीपुल who live with us in our house are our family. ठीक है, पीपुल हु लिव विथ अस इन आवर हाउस आर आवर फैमिली। जो लोग हमारे साथ हमारे घर में रहते हैं वही परिवार कहलाते हैं। कौन? हु पीपुल हु लिव विथ अस इन आवर हाउस आर आवर फैमिली। ठीक है, तो वह लोग जो हम लोग के साथ घर एक ही साथ घर में रहते हैं वो परिवार कहलाते हैं। पीपुल हु लिव विथ अस इन आवर हाउस आर आवर फैमिली। ठीक है, फैमिली में भी ढेर सा इसका टाइप्स होता है। टाइप्स ऑफ फैमिली यानी कि किस कौन से टाइप के फैमिली में रहते हो, क्या कौन से टाइप का है तुम्हारा फैमिली का। ठीक है, तो ये पहले फैमिली जान गए तुम लोग कि फैमिली किसको कहा जाता है। सबसे पहले पीपुल हु लिव विथ अस इन आवर हाउस आर आवर फैमिली। क्लियर, यानी कि जो लोग हमारे साथ हमारे घर में रहते हैं वो सब फैमिली कहलाते हैं, मतलब वो मेरे परिवार हुआ। अब हम देखते हैं टाइप ऑफ फैमिली। क्या देखते हैं? टाइप्स ऑफ फैमिली। सबसे पहले इसको लिख लो, टाइप्स ऑफ फैमिली को, बाद में उसको डिस्क्राइब करेंगे, बाद में उसका करेंगे। तो नंबर वन तुम्हारा हो गया न्यूक्लियर फैमिली। क्या हो गया? NUCLEAR न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली दूसरा है तुम्हारा बिग फैमिली, इसको स्मॉल फैमिली भी बोल सकते हो। बिग फैमिली
बिग फैमिली। नंबर थ्री ज्वाइंट फैमिली, से ओ आई एन टी ज्वाइंट फैमिली। नंबर फोर भी एक तो रख लो, सिंगल पेरेंट फैमिली। सिंगल पेरेंट ठीक है। तो सबसे पहले टाइप ऑफ फैमिली, टाइप ऑफ फैमिली यानी कि परिवार का कौन कौन सा टाइप्स होता है, किस किस टाइप्स का परिवार होता है। जैसे किसी का परिवार छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, कोई ज्वाइंट होता है यानी कि संयुक्त परिवार, और सिंगल पेरेंट फैमिली भी कोई कोई होता है। सबसे पहले न्यूक्लियर फैमिली यानी कि स्मॉल फैमिली। स्मॉल फैमिली किसको कहा जाता है, अभी छोटा थोड़ा सा ब्रीफ दे दे रहे हैं, बाद में इसको डिस्क्राइब करेंगे। न्यूक्लियर फैमिली उसको कहते हैं जो पेरेंट्स यानी कि मम्मी पापा और टू चिल्ड्रन यानी कि दो बच्चे पेरेंट्स ठीक है, माता पिता के साथ अगर जो दो बच्चे रहते हैं उनको हम स्मॉल फैमिली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्मॉल फैमिली ठीक है। मदर फादर ब्रदर एंड सिस्टर सी लिव्स इन ए न्यूक्लियर फैमिली, इट इज ए स्मॉल फैमिली ठीक है। यानी कि पेरेंट्स के साथ ब्रदर एंड सिस्टर जो साथ में रहते हैं उनको बोलते हैं बिग फैमिली। बिग फैमिली में कौन आता है? फादर मदर एंड फोर चिल्ड्रेन यानी कि पेरेंट्स के अलावा फोर चिल्ड्रेन, मोर देन टू चिल्ड्रेन, मोर यानी कि दो से अधिक बच्चा जिसमें घर में हो पेरेंट्स के साथ रहते हो वो तुम्हारा बिग फैमिली हुआ। क्या हुआ? बिग फैमिली। ज्वाइंट फैमिली, ज्वाइंट फैमिली में पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि तुम्हारे मम्मी पापा दादा दादी चाचा चाची कजन मोर चिल्ड्रेन रहते हैं बहुत ज्यादा तो ठीक है उनको बोलते हैं ज्वाइंट फैमिली। क्या बोलते हैं? ज्वाइंट फैमिली। सिंगल पेरेंट्स फैमिली, सिंगल पेरेंट्स फैमिली क्या है? सिंगल पेरेंट फैमिली है कि जो बच्चे सिर्फ अपने मदर्स या फादर यानी कि दोनों में से कोई एक यानी कि कोई अपनी माँ के साथ रहता है तो कोई पापा के साथ रहता है, दोनों नहीं रहते हैं यानी कि किसी के पापा नहीं रहते हैं तो किसी की मम्मी नहीं रहती है, तो ऐसे फैमिली को हम बोलते हैं सिंगल पेरेंट्स फैमिली। इसको स्पेशल फैमिली भी बोला जाता है क्योंकि सारा यानी कि फादर्स मदर दोनों का केयर सिंगल इसी को करना पड़ता है जो मदर्स हो या फादर हो, जो मदर हो या फादर हो, इसलिए हम इसको स्पेशल फैमिली भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पेशल फैमिली। सिंगल पेरेंट्स फैमिली को हम स्पेशल फैमिली भी बोलते हैं ठीक है। तो आज हम लोगों ने जाना फैमिली यानी कि परिवार क्या है, किसे कहते हैं ठीक है। ये तुम्हारा नंबर, ये टाइप ऑफ फैमिली में आ गया तुम्हारा। पहला है न्यूक्लियर फैमिली यानी कि स्मॉल फैमिली, बिग फैमिली, ज्वाइंट फैमिली, सिंगल पेरेंट्स फैमिली ठीक है। ये हो गया तुम्हारा। आज हम इसी से कल इसको डिस्क्राइब करेंगे, कल इसको डिस्क्राइब करेंगे न्यूक्लियर फैमिली के बारे में, बिग फैमिली के बारे में, ज्वाइंट फैमिली के बारे में, सिंगल फैमिली के बारे में। आज मैंने ब्रीफ दिया, ब्रीफ दिया कि समझ लो न्यूक्लियर फैमिली वैसा फैमिली जिसमें पेरेंट्स एंड टू चिल्ड्रन अगर एक साथ रहते हो तो वो स्मॉल फैमिली है। बिग फैमिली यानी कि पेरेंट्स मोर देन टू चिल्ड्रन अगर साथ रहते हो तो वो बिग फैमिली। ज्वाइंट फैमिली पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स अंकल आंटी कजन यानी कि जिस घर में रहते हो वो ज्वाइंट फैमिली कहलाता है, जिस परिवार में रहते हो सॉरी। सिंगल पेरेंट्स फैमिली यानी कि जो चिल्ड्रेन सिर्फ फादर्स के साथ रहता हो या मदर के साथ रहता हो वो सिंगल पेरेंट्स फैमिली कहलाता है ठीक है। ओके इसको लिख लेना, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं।
अभी लिख लेना। पहला क्वेश्चन, आज का प्रश्न लिख लो। What is a family? What is a family? दूसरा है, इसको मत लिखो, टाइप ऑफ फैमिली ऐसे लिखो, टी वाई टी ई, टाइप ऑफ फैमिली, टाइप ऑफ फैमिली। ठीक है, ओके, आज बस इतना ही।